जून 2020 में राजस्थान में हुए बड़े सियासी घटनाक्रम को लेकर एक बार फिर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर आयोजित आजादी गौरव यात्रा में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा था। इस दौरान सीएम गहलोत ने एक बार फिर दोहराया कि मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत ने हमारी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। अगर इतनी ही निकम्मी मेरी सरकार थी तो आपने सरकार भंग क्यों नहीं कर दी। मोदी शाह की जोड़ी ने जो किया है उसके लिए उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसे कोई भी नहीं हटा पाएगा। वहीं सीएम गहलोत के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में अंतिम सांसें गिन रही कांग्रेस को बचाने और लचर शासन के कारण उत्पन्न जन आक्रोश ने अशोक गहलोत की नींद हराम कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला और सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत को लेकर क्या क्या बयान दिए, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था संभालने में विफल अशोक गहलोत अपनी सरकार की सभी विफलताओं का ठीकरा केंद्र पर डालते हैं, जो हास्यास्पद है। वह यह स्वीकार करने को क्यों तैयार नहीं है कि उनकी सरकार के संरक्षण में हिंसा और दंगे हो रहे हैं। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने आगे कहा कि हाल ही में करौली हिंसा का पूरा प्रदेश और देश गवाह है कि कांग्रेस शासन में बहुसंख्यक हिंदुओं पर सुनियोजित साजिश के तहत हमला किया गया। राजस्थान में अंतिम सांसें गिन रही कांग्रेस को बचाने और लचर शासन के कारण उत्पन्न जन आक्रोश ने अशोक गहलोत की नींद हराम कर दी है। झूठी सहानुभूति बटोरने की कोशिश वाले इन बयानों से गहलोत को कुछ हासिल नहीं होगा। प्रदेश की जनता आपकी और कांग्रेस की हकीकत को जान चुके हैं। वहीं 2020 में हुई सियासी बाड़ेबंदी का जिक्र करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार व उनके विधायक 42 दिन बाड़े में इसलिए बंद रहे कि आपका आलाकमान मौसमी है, वो शीत निष्क्रियता का आदि है। आपकी पार्टी में नई पीढ़ी आपके सक्षम चुनौती बनकर खड़ी है और आप सच को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं और न ही नए नेतृत्व को उभरने देना चाह रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का परिवारवाद है। कांग्रेस की सरकार अपनी कमजोरी से गिर रही थी और आरोप आप हम पर लगा रहे हैं। भाजपा के केंद्र नेताओं पर सरकार गिराने के झूठे आरोप लगाना गहलोत की नैतिक पराजय है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो बेहतर होगा कि आप कुर्सी छोड़ दें। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि देश में जाति, पंथ, महजब और वोट बैंक की राजनीति की जनक कांग्रेस है। तुष्टिकरण की राजनीति शुरुआत से ही कांग्रेस ही करती है और करौली हिंसा की घटना भी कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का ही नतीजा है। अशोक गहलोत बताए कि भारत का विभाजन, कश्मीर, सिख, नरसंहार, इन सब का दोषी क्या कांग्रेस नहीं है? अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री बार बार केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री यह क्यों नहीं कहते कि प्रदेश की कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभल रही? मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के बारे में गरिमाहीन व अमर्यादित बयान देने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत हो, कहीं भी दंगे और हिंसा न भड़के, हिंदुओं सहित समस्त जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जो करौली में हिंसा हुई है उसके दोषियों को सख्त सजा मिले और पीड़ितों को न्याय व आर्थिक मुआवजा मिले। इसके साथ ही सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत की महत्वाकांक्षी परियोजना चिरंजीवी का जिक्र करते हुए कहा कि अशोक गहलोत जिस चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का बड़ा गुणगान करते हैं उसकी हालत यह है कि आमजन को दवाइयां बाहर से खरीद कर लानी पड़ रही है। यह बात लोगों ने स्वयं मुख्यमंत्री से सवाई मानसिंह अस्पताल में कही कि सभी दवाइयां बाहर से लानी पड़ रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।